क्या नाम है आपका? श्रुति साहू। आज आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला है? मैंने पहली बार डाला। आपके मन में क्या विचार चल रहा था, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? क्योंकि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए वोट है। मैंने यही वोट डाला है सोच के कि आगे अच्छा होगा मेरा, मैं यूथ हूँ तो आगे वोट दूंगी तो सब अच्छा ही होगा। यूथ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे भी हर जगह, मेरा वोट अच्छा ही जाए। क्या लग रहा है आपको, आपका वोट देश के विकास के काम आ रहा है या सिर्फ पार्टी का? देश के विकास के काम आएगा ना वोट। क्योंकि आपके दिमाग में कुछ टाइम क्या मुद्दे चल रहे थे जिस हम वोट डालने बटन दबा रहे थे? आप बटन दबाए तब तो पहले था तो एक्साइटमेंट थी कि कैसा होगा क्या होगा, बस यही था। मैम आपने वोट डाल दिया है, किन मुद्दों पे वोट डाला आपने? देश का विकास हो जी, सभी प्रकार की जो भी समस्या है सभी की हल हो, सब अच्छा हो, बस इससे। क्या लग रहा है आपको कि देश विकास करेगा? लोकसभा उत्तर दक्षिण है, लोकसभा प्रभारी, चुनाव प्रभारी। अब देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, मतदाता कहीं ना कहीं उदासीन है और खास तौर पे देखा जा रहा है कि मतदाता घर से निकलना तैयार नहीं है। नहीं साहब, मतदाता तो बहुत अच्छा निकल रहा है, खास तौर से हमारे पार्टी की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि अरुण श्रीवास्तव को देखते हुए लोग बहुत अच्छी संख्या में मतदान कर लेके निकल रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को पूरी तरीके से विजय होने के आसार। पब्लिक वोट आपको ही दे, ऐसा क्यों? किन मुद्दों पे वोट मांग रहा पार्टी? सर सबसे पहला तो ये है मुद्दा कि संविधान की रक्षा, भारतीय संविधान की जो तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश कर रहे हैं और दूसरे संविधान को लाने का तैयारी कर रहे हैं और 402 सीटें मांग रहे हैं, इस मुद्दे को विशेष तौर से हमारे लोग देख रहे हैं कि हमें हमारे संविधान की रक्षा करना है। संविधान का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं क्या लोगों से? डर दिखा के कौन मांग रहा है? डर दिखा के नहीं मांग रहे हैं हम लोग, डर दिखा के नहीं मांग रहे हैं। ये तो डर भारतीय जनता पार्टी ने बना ही दिया है, वो ऐसे बना दिया है कि 146 लोगों को, सांसदों को हमारे बाहर निकाल दिया संसद से और रेजुलेशन पास कर लिया। ये इतना बड़ा मुद्दा है भारतीय संविधान के लिए, यानी खतरा है, भारतीय संविधान बिल्कुल खतरे में है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि बीच में थोड़े दिन पहले ही गीता शर्मा ने एक बयान दिया था, कि जो लोग हमारे जूते चप्पल साफ करते थे वो लोग आज हमारे बराबरी में बैठ रहे हैं, ये क्या है आखिर? तो क्या आप जनता को संविधान का डर दिखा के, जनता को मोदी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं? नहीं, मोदी का डर दिखा के नहीं मांग रहे हैं, वो तो खुद ओपन होके बोल रहे हैं ना। उनने अभी मोदी जी ने भी कहा था कि मैं आरक्षण का किसी तरीके से भी वो नहीं हूँ पक्ष में, मैं आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, आरक्षण से लोग बेकार हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन खराब हो रही है और खराब लोग ऐसे बन रहे हैं। अब वोट डाल चुके हैं, किन मुद्दों पर वोट डाला है आपने? लोग कहना ये है कि मोदी डर दिखा के, संविधान का डर दिखा के, क्या डर से वोट डाला है? जो गलत व्यक्ति होता है उसको डर लगता है, उसको डर दिखता है, अच्छे व्यक्ति भी अच्छे काम होते हैं ना जी। ऐसा हमारे भाई ने कहा, क्या कहा भाई ने? अच्छे व्यक्ति के अच्छा काम लगता है। आप तो मोदी जी का एक वो काम बता दो जो सबसे गंदा काम हो, बुरा काम बता दो मोदी जी का। मोदी जी के सारे काम तो गंदे हैं, एक भी काम भी तो अच्छा नहीं है। गरीब बेचारे जूते खा रहे हैं, SC ST के लोग जूते खा रहे हैं, मंदिरों में नहीं जाने दे रहे, इस तरह की बात करा, संविधान की बात करा, संविधान हम नहीं बदलने देंगे। और इस बार जो वोटिंग हो रही है सिर्फ एक ही मुद्दे पर ही है, बेरोजगारी, और संविधान को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। आपकी लोग कहना ये है कि संविधान बदलने का डर है, वो डर इसलिए वोट कर रहा है? संविधान भारत का अधिकार है, संविधान रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सराठ है। वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला, किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने? मैंने बहुत, आपने विकास, भारत के विकास के लिए वोट डाला है जी। जब से मोदी जी आए हैं तो चारों तरफ देख लीजिए, ओवरब्रिज है आपके, वो बने हैं, रोडें बनी है, सड़कें बनी है आपके, जितने स्टेशन है हमारे देश में 545 के आसपास या उससे ऊपर रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है और विकसित भारत की ओर हमारा डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है।
आजकल आप पहले देखते थे कि चोर चोर जेब कट रही थी, ये कट रहा था, लेकिन जब से यूपीआई आया है, डिजिटल पेमेंट होने लगा है, पेटीएम होने लगा है, तब से बहुत लोगों को इजी गोइंग हो गया है पेमेंट करने के लिए। आप कहीं भी हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आपने मोदी तारीफ कर दी है, मोदी को दो काम अच्छे करा दीजिए। मोदी जी ने सबसे अच्छे काम तो ये महिलाओं के लिए कि इज्जत घर बनाया है। इतने सालों से महिलाएं बाहर सोच के लिए जाती थी, 70 सालों से, मगर कभी महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। उन्होंने इतनी गहराई से सोचा है कि उनको इज्जत घर बना के दिए हैं। और प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत तो सबसे अच्छा आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। उन्होंने रहने के लिए छत दी है, छत मकान सबके लिए बोला है कि हर व्यक्ति को मकान मिलेगा। मोदी कह रहे हैं कि सबको 5 किलो अनाज फ्री देना है 5 साल तक, तो क्या अनाज ही विकास है? अनाज विकास की कड़ी में एक कड़ी है, और क्योंकि बिना कहते हैं ना कि बिना भोजन के बिना खाली पेट भजन न हो गोपाला, तो भोजन तो पहले आता ही है, जैसा कि मैंने कहा कि रोटी कपड़ा काम बताइए, कुछ भी अच्छा काम हो उनका। पुल बना दी किस गरीब का फायदा हुआ, रोड बना दी किस गरीब का फायदा हुआ, बताइए आप का फायदा हुआ? कैसे नहीं हुआ, कौन नहीं चलता कि गरीब नहीं चलता? अभी आपने सुन लिया, आपने वो साफ कह दिया है। मैडम ने कहा कि नारी की रक्षा, नारी की रक्षा यदि कर रहे हो तो मणिपुर जाते दौड़ के, नारी के क्या दुर्दशाएं हुई हैं वहाँ। नारी की रक्षा यदि करते तो जो ओलंपिक में लड़कियां खेल के आई, जिनने गोल्ड जीता, आज तक इंडिया के अंदर कोई लड़कियां गोल्ड जीत के नहीं आई, उनने गोल्ड जीता, तो उनकी रक्षा के लिए क्या करा मोदी जी ने, डंडे पड़वाए? ये नारी रक्षा मोदी जी की कहना है कि सबको। और ट्रेन का बोल रही है मैडम, ट्रेन कौन सी चलाई है? 1800 रुपए जिसका भोपाल से लेके इंदौर का, उसमें कोई गरीब आदमी जाएगा? वो तो भाई बड़े लोगों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है अंबानी अडानी, तो उन्हें रेलवे दे दिया, तो अंबानी अडानी को तो किराया बढ़ा के लोगों को, क्या इसमें गरीब आदमी जाएगा? कहना है कि महिलाओं को अब सम्मान मिला है। कहाँ मिला सम्मान, वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि सम्मान मिला होता तो गोल्ड मेडल जीत के जो आई है तो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे आरक्षण में आई है वो भी। ये कह रहा है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है कहीं ना। नहीं, ये गलत कह रहा है कि देखो हर चीज को हम एक साथ एक ही दृष्टि से एक ही सूत्र में नहीं रख सकते हैं। यदि महिलाओं का अपमान हो रहा होता तो आज देश में त्राही त्राही मर चुकी होती। आज महिलाएं, आपने देखा कि पिछले विधानसभा महिलाओं ने ही सबसे ज्यादा वोट दिए। कहा है कि मोदी जी ने मणिपुर मुद्दे पे कोई बात नहीं की। मोदी जी करेंगे, मोदी जी की सोच अलग है और मोदी जी काम कर रहे हैं, उनकी पहले से प्लानिंग हो चुकी है। जब वो विकासशील भारत बना रहे हैं, देश के लिए विकास कर रहे हैं, इतने मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, तो मणिपुर को कैसे छोड़ सकते हैं? मणिपुर भी एक हमारे देश का हिस्सा है, अलग तो है। आज जो मतदान हो रहा है, एक लोग कहना है कि संविधान बचाने के लिए मतदान हो रहा है, आज जो मतदान हो रहा है वो देश के विकास की मतदान हो रहा है, आज जो मतदान हो रहा है वो युवा रोजगार की मतदान हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जो मतदान हो रहा है स्वास्थ्य की मतदान हो रहा है, आज जो मतदान हो रहा है नारी सम्मान के मतदान, इसमें क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूंगी कि जो विरोधी पक्ष है उनको कहीं कुछ दिखता नहीं, कितना भी आप काम कर दो तो वो हमेशा चिल्लाते रहेंगे कि काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अभी ने कहा है कि मैडम साहब के लिए मैडम ने की, जब विरोधी पक्ष का है, मैडम विरोधी पक्ष के लिए है, तो आप एक काम सही गिन भाई है, जो मोदी जी ने गरीबों के लिए किया क्या है? एक काम की बात हो रही है, देश हित में बहुत काम किए हैं, अब ये किसको देखना ही नहीं है। सबकी देखिए, आप अपनी नजर बदलिए, नजर बदलेंगे तो नजरिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। पहुंचेगी तो आम आदमी कैसे पता करेगी कि देश हित में काम हो रहा है, जनहित में नहीं हो रहा है? जनहित में काम होता तब पब्लिक को दिखता है। अभी आपने मतदान किया है, किन मुद्दे पे वोट डाला है आपने? अब बस मुद्दे तो यही है जो आपको पता है, बेसिकली मुद्दे यही रहते हैं कि रोजगार है, शिक्षा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सी समस्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी चीजें उसमें अभी बात आ रही है। कहना है कि साहब ये बोल रहे हैं कि शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल हजारों की तादाद में गवर्नमेंट स्कूल बंद करवा दिए हैं मोदी जी ने, ताकि गरीब लोग पढ़ ना सके, और प्राइवेट स्कूल खुलवाए जा रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा बड़े लोगों के बच्चे पढ़ सकें, तो गरीब लोगों को और जो निम्न श्रेणी के शूद्र लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को तो एजुकेशन में लाने नहीं है उन्हें। ये किस तरीके से उनकी एक पॉलिसी है, ये किस तरीके से हम अपना जो है पूंजीवाद को बढ़ावा दें? आपने कहा अभी सब इस क्या है शुद्ध शब्द का, लेकिन तो हिंदू है, बात हिंदू चल रही है, हिंदू की वो तो साहब वाराणसी का मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, अयोध्या धाम मंदिर बनाने लगे हुए हैं, मथुरा धाम का मंदिर बनाने लगे हुए हैं, मंदिर से कभी किसी का वो हुआ है क्या, ये बता दीजिए आप। तो साहब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, हिंदू के देश की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र कैसे है? इस देश के अंदर एकता में भिन्नता में एकता वाला देश है ये,
भिन्न भिन्न भाषाओं वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, सबको एक नजरिए से बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, निर्माण किया, पूरे वर्ल्ड में उस संविधान को देख के निर्माण किया जा रहा संविधानों का। ये कह रहे मंदिर मंदिर की बात करें, मंदिर का लगा रहे अयोध्या बनाया, मथुरा काशी बाकी है, वो तो सनातन धर्म सदियों से चला आया है, उसमें नया क्या है? रोजगार की बात क्यों नहीं करते मोदी? अगर किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, हर ठेले पे रोजगार, वो कैसे चलाएगा? गरीब आदमी कैसे पालन करके? राम मंदिर से बनने से क्या गरीब आदमी का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं, अभी अभी अयोध्या बना है, अभी मथुरा काशी बाकी है, कुछ भी बन जाए उससे गरीब का शोषण हो रहा है। मंदिर में जितनी भी दुकानें दी गई है सब गुजरातियों को दी गई है, पूरा गुजरात वहाँ पहुँच गया है अयोध्या में। हम आंकड़े राम को लाए वही राम से मिलाने की तैयारी कर चुके हैं वैक्सीन से। ये राम को लाए ना, वो राम से मिलाने की तैयारी कर चुके हैं वैक्सीन लगा के। जो राम को लाए हैं वो वैक्सीन लेके आ रहे हैं, क्या चल रही है? वैक्सीन लेके राम से मिलाने की तैयारी कर दी है उन्होंने। वैक्सीन तो सबके जीवन के लिए लेकर आया ना, कोई उसके लिए राम और हिंदू, ऐसा तो नहीं कि मुसलमान को वैक्सीन लगा है, उसकी चेकिंग हुई है तो क्या है, वैक्सीन नहीं लगा, वैक्सीन तो सभी धर्म के लोगों को। पहले लिखा होता था भारतीय रेल और अब लिखा होता है अडानी रेल। देखिए आपने यहाँ पे महिला मौजूद थी, यहाँ पे युवा मौजूद है, यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है। ये साफ कहना है कि यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग विकास के लिए हो रहा है, ये वोटिंग देश के समाज के लिए हो रहा है, ये महिला सम्मान के लिए हो रहा है, युवाओं के रोजगार के लिए हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बात चल रही है देश की बात है, लेकिन अभी कुछ मत है, अपने लोग विचार हो सकते हैं, यही तो लोकतंत्र का मजा है, लोकतंत्र की यही तो नीति है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने विचार रखता है। कैमरा मैन सुनील कुशवाहा के साथ मोहम्मद सलमान भोपाल। देखा जा रहा है कि मतदाता उदासीन है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो पूरे बूथे खाली पड़ी है, किसों पे देख रहे हैं आप? क्या है, कुछ तो मौसम की भी मार है, अभी धूप है तेज इस वजह से नहीं, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे सुबह भी वोटिंग अच्छी हुई है, अभी दोपहर में जरूर थोड़ी सी कम हुई, लेकिन शाम के अंत होते होते तक अच्छी वोटिंग हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या लग रहा है युवा किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहा है? इस बार युवा सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात को लेकर वोट कर रहा है, युवा अपने लिए नौकरी चाहता है, युवा अपने लिए ऐसा माहौल चाहता है जिसमें वो अच्छे अच्छे संस्थान में सस्ती पढ़ाई कर सके, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, माँ बाप अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, महंगे कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए इस बार देश का युवा इस बार केवल और केवल प्रगति करने वाली सरकार को चुनने जा रहा है, वह केवल बातें करने वालों को और बड़ी बड़ी हाँकने वालों को नहीं चुनने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मंदिर मुद्दे बात चल रही है, कहीं ना कहीं मंदिर मुद्दे रह जा रहा है, तो क्या ये अभी अयोध्या की थी, मथुरा काशी की बारी है? इस प्रकार के मुद्दों से देश को ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। राम मंदिर बना है, उसका कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया, हर व्यक्ति को भगवान से आस्था है, सबके घरों में मंदिर है, उससे बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब हम भी मानते हैं, हम भी प्रसन्न है, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हम भी भगवान को मानते हैं लेकिन हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। जो व्यक्ति इस देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहता है, युवाओं के रोजगार की बात करना चाहता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना चाहता है, वो व्यक्ति जरूर कांग्रेस पार्टी को वोट दे, क्योंकि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप पेट्रोल डीजल के दामों को देख लीजिए, दालों के दामों को देख लीजिए, हमारी रोजमर्रा की चीजें देख लीजिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। अभी कुछ लोगों ने कहा है कि संविधान का दल दिखा के, मोदी दल दिखा के कांग्रेस वोट बढ़ रही है। आप देख ही सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार कह रहे हैं कि 400 पार आना है, और जैसी 400 पार आएंगे हम देश का संविधान बदल देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा है, ये उन्हीं के नेता कह रहे हैं, उन्हीं के सांसद कह रहे हैं, लगातार बयान ऐसे आ रहे हैं। कि किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है आपने? अच्छे कार्य के लिए। क्या लग रहा है आपको कि इस टाइम में क्या चल रहा है? ये भी वोट डाले थे गर्मी में, आप बच्चे को लेकर वोट डालने आई है आप, जरूरी है मताधिकार अपना। आखिर ये मतदान जरूरी क्यों है? ना चलता है पहले सब काम छोड़ दो, पहले मतदान करो, जरूरी है, सबका काम ही है वोट देना, तो सरकार अपना भले के लिए कर रही है, और अच्छी मत सरकार अच्छी आना चाहिए। ठीक है।